नमस्कार, सो वेलकम टू अवर चैनल। माय नेम इज़ विवेक गुप्ता। आप जानते ही हैं, MBBS कंसल्टेंट के अलावा एक करियर कंसल्टेंट और मैनेजमेंट कंसल्टेंट, और कई बातें हम आपको बता पाते हैं या मैं बता पाता हूँ विच इज़ बियॉन्ड द MBBS कट ऑफ्स एंड नंबर्स। और वही शायद साबित हुआ कि जब मैंने कहा था कि नीट दोबारा नहीं होगा फॉर द वेरी सिंपल रीज़न कि 24 लाख बच्चों का पेपर, तो कई लोग ना आप में से नाराज़ हो रहे थे, सर आपकी बातों से या वीडियो से ऐसा लगा कि आप भी नहीं चाहते कि नीट दोबारा हो। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं वो आपको वो बता रहा हूँ जो मैं प्रिडिक्ट कर पाता हूँ बिकॉज आई कैन सी द लार्जर पिक्चर। और उसी लार्जर पिक्चर से जब हम लोगों को कहते हैं तो एक और फंडा कि अक्सर आप लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि परमिटेड वर्सेज रिकग्नाइज कॉलेज, या सर जैसे नए कॉलेज इस साल खुल रहे हैं उससे मुकाबले वो कॉलेज जो 2 साल पहले खुला है दोनों में कौन सा बेटर है, या अक्सर ऐसा है कि एक जनरल बात चलती है कि पुराना उतना अच्छा। देखिए, कोई इसमें शक की बात नहीं है कि जितना पुराना उतना अच्छा, लेकिन ये भी फ़र्क पड़ता है कि पुराने की फिर क्वालिटी क्या चल रही है। ओके, तो आज उस पर बात करेंगे। देखिए, पहले तो मैं आपको NMC का रूल बता दूं, तो जब भी एक नया कॉलेज खुलता है वो पहले 3 साल तक परमिटेड रहता है। इसके अलावा जब भी कॉलेज की सीटें बढ़ती हैं तो फिर से वो परमिटेड में आ जाता है, क्योंकि आपके नई सीटें हैं, बल्कि आपको प्रूव करना है अपनी परफॉर्मेंस, तो ये एक NMC रूल बना रखा है। तो जैसे मैं आपको अमृता फरीदाबाद जैसा कॉलेज भी परमिटेड नज़र आएगा, और जिनको मैं बिल्कुल खुलेआम घटिया कॉलेज कहता हूँ वो आपको रिकग्नाइज नज़र आएंगे। ठीक है, उसके बाद डेफिनेटली मैंने वीडियो बनाया था कि हाउ टू डिफाइन ए गुड मेडिकल कॉलेज, जो कुछ प्रीवियस वीडियो है मेरा। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि चैनल में पुराने वीडियोस देखिए, आपको बहुत शानदार वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो देखिए, अब इसमें क्या फ़र्क आता है कि जस्ट अभी हम पढ़ाई में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, पॉजिटिव रोल होता है सीनियर्स का, राइट? तो ऐसा कुछ नहीं है कि जी ये नया कॉलेज है, अभी ने कॉलेज चलाना नहीं आता। अरे अमृता फरीदाबाद जब खुलेगा, या सिम्बायोसिस खुला, या टाटा ने मणिपाल जमशेदपुर में खोला था कुछ साल पहले, या अब सुनने में आ रहा है कई ऐसे कॉलेज हैं जो अपने सेकेंड थर्ड ब्रांच खोल रहे हैं, तो देखिए उन्हें अच्छी तरह से याद है कॉलेज कैसे चलाते हैं, राइट? सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट है इस समय फर्स्ट ईयर एक दूसरा पुराने कॉलेज का, वो होता है सपोर्ट ऑफ सीनियर्स। क्योंकि जब भी आप किसी अच्छे कॉलेज में जाते हैं, इंस्पाइट ऑफ नॉन मेडिकल ऑल्सो, मतलब MBBS के अलावा भी, तो सीनियर्स हैं जो आपको बताते हैं कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, हाउ टू सेव योर टाइम। वो एक्चुअली आपको सपोर्ट करते हैं। वो सपोर्ट आपको नहीं मिलता जब आप बिल्कुल नए कॉलेज में जाते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, नया कॉलेज मतलब जो बन चुका है, अब आप उस कॉलेज में जा रहे हो जहाँ पर अभी ईंट धूल पत्थे उड़ रहे हैं, अभी कंस्ट्रक्शन चालू है, तो उसको तो हमें अवॉइड करना चाहिए। बट सब कुछ कंप्लीट हो चुका, अभी सेकेंड ईयर है कॉलेज का, विजा आपको एक और कॉलेज मिल रहा है जो 6 साल पुराना है, एवरीथिंग else सेम। तो मैं परमिटेड रिकग्नाइज वर्ड पे नहीं जाता, हम ये देखते हैं कि भाई जो आपको 6 साल पुराने कॉलेज में सीनियर सपोर्ट मिलेगा, वो भी नहीं कि एक बैच पास हो चुका तो इनको पता है कि बैच कैसे पास कराना, नहीं, वो शब्द इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट होता है कि 5 साल पुराने कॉलेज का मतलब ये है कि सेकेंड थर्ड फोर्थ ईयर हर ईयर में बच्चे हैं, और हर ईयर में नई चीज़ पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, तो जब आप एक डे टू डे इंटरेक्शन करते हो अपने सीनियर्स के साथ अक्रॉस ईयर्स, तो आपको पता चलता है कि सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में फोर्थ ईयर में आते आते आपकी पढ़ाई किस तरह से होनी चाहिए। देखिए, अगर आप एक एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपके घर में ऑलरेडी डॉक्टर्स हैं, तो वो आपको गाइडेंस देने वाले बहुत हैं। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो आपको पता ही नहीं चलता है कि किन चीज़ों पर फोकस करना है, किन चीज़ों को आपने लाइटली लेना है। तो आई ऑलवेज से फॉर दैट द सीनियर सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी तरह से तभी वो चॉइस ऑफ कॉलेज इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसमें परमिटेड रिकग्नाइज PG है कि नहीं है, डजेंट मेक अ डिफरेंस। क्योंकि भाई PG ले लिया क्योंकि आप 7 साल पुराने हो, लेकिन वो PG लेकर भी आपकी सारी OPD फर्जी है। तो मैं आपको ये चीज़ इस वीडियो में और बता दूं कि OPD के जो नंबर्स हैं वो भी बहुत आराम से मैनिपुलेट किए जा सकते हैं। वो मैनिपुलेट ऐसे किए जाते हैं, फिर से मैं किसी को समझा रहा था पर्सनल कॉल पे, तो मैंने कहा आपको बता दूं। देखिए, OPD का मतलब क्या है कि आपने मोटा मोटी बाहर से इलाज किया। एक कॉलेज जो चल नहीं पा रहा है, बस में 4 बसें अपने 3-3 सीनियर डॉक्टर्स को बिठा के 4 डायरेक्शन में सुबह भेजा जाता है, 4 गांव में, उसके बाद अलग अलग गांव में, वहाँ पर एक कैंप लगा के आप बैठ गए, सबका आपने आई चेकअप करा, सबका डेंटल चेकअप करा, वो डेंटल OPD हो गया, आपने BP शुगर चेक कर दिया, वो आपका जनरल फिजिशियन OPD हो गया, आपने बुखार चेक कर दिया, तो आपने बहुत बेसिक चीज़ें चेक करी, पेशेंट्स का बेसिकली आधार नंबर वगैरह इकट्ठा हो गया, वहीं उसकी पर्ची काटी उस लोकेशन पर, और कहने को वो OPD नंबर हो गया।
दैट इज़ नॉट द जेन्युइन ओपीडी। मतलब ओपीडी का जब हम कहते हैं ओपीडी में इतने नंबर होने चाहिए, इसका मतलब ये है कि आपके पास हर तरह का पेशेंट आ रहा है, सीरियस पेशेंट आ रहा है, जेन्युइन पेशेंट आ रहा है, जिसको देखकर ठीक करते समय आप कुछ सीख रहे हो। लेकिन अब ज़बरदस्ती लोगों के ब्लड प्रेशर चेक करके और शुगर चेक करके अपने ओपीडी काउंट बढ़ा रहे हो तो इट विल नॉट हेल्प यू एट ऑल, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम ये हमें पता हो कि पेपर में आपको नज़र आ रही है इतनी ओपीडी है, बट वो ओपीडी किस तरह की ओपीडी है, क्या वो जेन्युइन ओपीडी है, क्या वो ओपीडी पर डिपार्टमेंट दिखाई गई है। स्किन की ओपीडी आपको दूर से नज़र आ रही है लेकिन वो बस वही बात है, मैंने कहा ना कि लोगों का चेकअप करा, ठीक है ठीक है ठीक है, बाहर बाहर से आपने भेज दिया, या आप एक हॉस्पिटल में बैठे हैं जहाँ पर एक्चुअली पेशेंट्स आर कमिंग विद जेन्युइन स्किन प्रॉब्लम्स। सो दोज आर द डिफरेंसेस विच एक्चुअली मेक द डिफरेंस, ठीक है। तो यही है, तो मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ ये था कि परमिटेड रिकॉग्नाइज और ओपीडी नंबर्स जो आपको नेट पे नज़र आ रहे हैं या जो आपको बाहर बाहर से नज़र आए उन पे मत जाइए, इट हैज़ टू बी वेल रिसर्च वेल थ्रू। देखिए बस वही समझाता हूँ मैं कि MBBS में जो हम इतना खर्चा कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस कॉलेज में हम जा रहे हैं वहाँ हमें एक होलिस्टिक एजुकेशन, होलिस्टिक एक्सपोजर मिले। और वही फ़र्क आता है कि जो वाई आई ट्रैवल टू ऑल दी कॉलेजेस एंड व्हेन आई ट्रैवल, मैंने आपको एक बार बोला है कि मैं कुछ अथॉरिटी से बात नहीं करता, वहाँ तो हमेशा ही आपको फॉल्स नंबर मिलेंगे, आप खुद जजमेंट करते हो, आप पेशेंट से बात करते हो, आप सिक्योरिटी गार्ड से बात करते हो, जनरली दे गिव यू वेरी राइट करेक्ट इन्फॉर्मेशन, आसपास के चाय वालों से बात करते हो, आसपास के छोटे मोटे ढाबों से बात करते हो, कितने लोग दिन में आते हैं यहाँ पर, उससे आपको बहुत जानकारी मिलती है। और वही जानकारी है जो एटलीस्ट आई कैन सेफली टेल यू कि पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, UP, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश के तकरीबन एक एक कॉलेज मैंने ली है, और वही मैं आपको वो राइट इनपुट दे पाता हूँ। आई विल नॉट क्लेम कि मैं तमिलनाडु के भी हर कॉलेज में गया हूँ, साउथ में मोस्टली मैं MCC वाले कॉलेज में गया हूँ जो MCC के अंडर आते हैं, तो चाहे वो कर्नाटका की डीम्ड, हम महाराष्ट्र की जैसे सारी डीम्ड में गया हूँ, महाराष्ट्र स्टेट में डीम्ड MCC डीम्ड, मुझे भी शब्द ध्यान रखना चाहिए, तो उसमें जाते हैं। उससे आपको बेसिकली ये नहीं कि जाके आप ऑफिस में बैठ के आ गए, स्टूडेंट से भी बात करना उतना अच्छा नहीं होता, स्टूडेंट्स भी सच्ची इन्फॉर्मेशन नहीं देते, उनको डर लगा रहता है कि उनका नाम ना ले लो आप, तो असली जानकारी आपको स्टूडेंट के अलावा भी, सच बताऊं तो जो आसपास के 20 दुकानदार होंगे उस कॉलेज के, वो आपको देंगे। और जिस कॉलेज के आसपास 20 दुकानदार भी नहीं है, समझ जाइए कि एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चल रहा है जिसके बाहर कोई ढाबा भी नहीं है, तो यू कैन इमेजिन कि उसमें दिन में कितने पेशेंट्स आते हैं। तो अगर कोई 600 लोग उठ के आ रहे हैं दिन में, तो कम से कम आपको हमेशा उसके बाहर 2-3 फ्रूट वाले, एक जूस वाला, एक 2-3 चाय वाले, एक सिंपल पकौड़े वाला तो बैठा मिलना चाहिए ना, क्योंकि दिस इज़ हाउ द इंडियन बिजनेस और इंडियन इकोनॉमी वर्क्स। वो भी नहीं मिल रहा है तो आप समझ जाइए कि मामला थोड़ा गड़बड़ है। तो मोर देन रिकॉग्नाइज परमिटेड, मोर देन PG अवेलेबल है कि नहीं है, नेट प्रॉपर्टी नंबर क्या आ रहे हैं, आई थिंक यू नीड टू नो द रियल सिचुएशन ऑफ द कॉलेजेस एंड दैट इज़ वेयर वी हेल्प यू। यू नो अवर नंबर 9643362320, यही नंबर डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है। और अब जब हम जानते हैं कि दोबारा कॉलेज पेपर नहीं होने वाला, सो बी रेडी, अगर 14 जून को रिजल्ट आता है रफली स्पीकिंग, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, पहले MCC करता है, उसके 10 दिन बाद हर स्टेट करता है, और नाउ द टाइम हैज़ कम, आई थिंक 19 मई है आज, कि आप देखिए कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है और कौन से कंसल्टेंट की आपको ज़रूरत है जो आपका अच्छे से काम करवाए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।